नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। और अनिवार्य हिंदी में हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग एक, उसमें अध्याय एक का जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है ये कि जो भारतीय गायिकाएँ हैं उनमें बेजोड़ हैं, इनके समान कोई नहीं है लता मंगेशकर की। तो लता मंगेशकर के बारे में ये लिखा गया है, उनकी जीवन के कुछ जो अंश हैं वो कुमार गंधर्व द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ये हमारी जो अनिवार्य हिंदी की द्वितीय पुस्तक है वितान, उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय एक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए किस प्रकार से कुमार गंधर्व जो हैं लता मंगेशकर के जीवन व्रत के बारे में कुछ जो अंश हैं वो बता रहे हैं। तो बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अब बरसों पहले की बात है, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी समय पहले जो है मैं बीमार था और बीमारी के दिनों में मैंने सहज ही रेडियो लगाया। अब क्योंकि वो काम वगैरह कर नहीं पा रहे थे, इधर उधर आ जा नहीं पा रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने जो है रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय यानी कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। अब उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया कि यह जो स्वर है वो कुछ विशेष है और रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। अब कलेजे से मतलब कि जो आवाज़ थी ना वो मेरे हृदय को जाके छू गई। मैं तो हैरान हो गया। अब कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। अब क्योंकि पहली बार उन्होंने इस स्वर को सुना था, तो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर है किसका। तो मैं तन्मयता से सुनता रहा। तन्मयता मतलब कि मन लगाकर वो सुन रहा था। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब गाना समाप्त हुआ तो गायिका का नाम घोषित किया गया। आज भी जो रेडियो वगैरह है ना, तो उन पे जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो गायकार हैं, उनके नाम बताए जाते हैं। तो उसी प्रकार से गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया कि किन्होंने ये गाया है। वो नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायक की एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। अब देखिए जो लता मंगेशकर के पिता हैं वे भी सुप्रसिद्ध गायक थे, दीनानाथ जी मंगेशकर। तो लेखक कहता है कि मुझे जो उनकी गायकी का जो दूसरा स्वरूप है उनकी बेटी की कोमल आवाज़ के माध्यम से सुनने को मिला। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। अब बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। अब देखिए लेखक कहते हैं कि बरसात के पहले ये जो चित्रपट है, जो फिल्म कह सकते हैं अपनी, उससे पहले गाना था ये, और तब से लता मंगेशकर निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायक का नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। अब लता से पहले, लता मंगेशकर जी है ना, उनसे पहले जो गायिका थी वो नूरजहाँ, तो फिल्म की दुनिया में संगीत में अपना जमाना था उसका, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। अब देखिए पहले नूरजहाँ जो है ना वो गायिका थी और चित्रपट के लिए वो गाती थी, फिल्मों के लिए गाती थी वो पार्श्व गायिका के रूप में। लेकिन बाद में जब लता मंगेशकर आई हैं तो लता मंगेशकर जो हैं उससे कहीं आगे निकल गई हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। अब सितारिये मतलब सितार वादक जो है विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में कहीं आगे चले गए हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तो मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। अब देखिए कुमार गंधर्व कहती हैं कि मेरा मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की, लता के बराबर की जो कोई भी गायिका नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है।
अब देखिए लेखक कहता है कि लता के कारण ही चित्रपट जो है, जो फिल्मी संगीत है, उसमें विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसने प्राप्त की है। और यही नहीं है, लोगों का जो शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बदल गया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। अब देखिए लेखक कहता है कि पहले भी बच्चे गाया करते थे घरों में, तो आजकल जो घरों में जो सुनाई दे रही है हमें बच्चों की जो गाने हैं उनमें काफ़ी अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? देखिए आजकल के जो छोटे बच्चे ना, वो भी आपने देखा होगा, सुना होगा, वो भी स्वर में गुनगुनाते हैं, कुछ भी गीत वगैरह ना वो गाते हैं स्वर में, तो क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? ये जो लता मंगेशकर हैं तो उनकी आवाज़ इतनी अधिक मन तक पहुंचने वाली है, दिल तक पहुंचने वाली है, हृदय तक पहुंचने वाली है कि हर कोई उससे प्रभावित हुआ, चाहे छोटा बालक ही क्यों नहीं हो। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अब कोकिला कोयल को कहते हैं, तो स्वर कोकिला कहा गया लता मंगेशकर जी को। तो लेखक कहता है कि अगर कोयल के जो स्वर हैं निरंतर कानों में पड़ते रहे तो हर कोई जो उसका अनुसरण उसी के अनुसार करेगा। ये स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक मतलब स्वभाव के अनुसार ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। अब देखिए चित्रपट संगीत के कारण से, फिल्मों के संगीत के कारण से ना, जो सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वर की माला जो हैं वो लोगों के कानों में पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, कि संगीत के अलग अलग प्रकार हैं उनसे उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ में भी उन्हें होती जा रही है। अब देखिए कि संगीत क्या है, उसका सुरीलापन क्या है, इन सभी की जो समझ है लोगों को हो रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। अब देखिए तरह तरह की जो लय है ना, तो उसके प्रकार भी वो सुनाई दे रही है उनको, और आकारयुक्त जो लय है उसके साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है, और जो साधारण प्रकार के लोग हैं ना, तो वे भी संगीत की जो लय है, जो जान पहचान उनके साथ में हो गई है, और जो सुरीलापन है, जो लय है, जो ताल है, तो उससे परिचित होने लगे हैं, उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। अब देखिए पहले संगीत की और लोगों का ध्यान नहीं था, शास्त्रीय संगीत में ही था सिर्फ, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो हर प्रकार के बदलाव आ रहे हैं तो उनका सभी का जो श्रेय वो लता जी को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। अब देखिए लेखक कहता है कि इससे जो नई पीढ़ी का जो संगीत है वह भी संस्कारित हुआ है, और साथ ही साथ जो सामान्य मनुष्य है वो भी संगीत के विषय में अपनी जो अभिरुचि है वो प्रकट करने लगा है, और इस प्रकार की जो अभिरुचि पैदा करने में लता जी जो हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अब देखिए संगीत की जो लोकप्रियता है और उसका जो प्रसार है, जो अभिरुचि है लोगों के मन में, उसका विकास करने का जो श्रेय है वो लता को ही देना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे एक देखा था कि स्वर मालिकाएं, तो स्वर मालिका क्या होती है, तो देखिए इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि स्वरों के क्रमबद्ध समूह हैं। स्वर मालिका में बोल यानी कि शब्द नहीं होते हैं, तो उसमें सिर्फ स्वर होते हैं और स्वरों का एक क्रमबद्ध समूह होता है, तो उसे स्वर मालिका कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। आप देखिए कि सामान्य जो श्रोता है उसको अगर आज लता जी की जो ध्वनि मुद्रिका है यानी कि ध्वनि जो सुनाई जाए, आवाज़ सुनाई जाए, और शास्त्रीय गायकी जो है, जो परंपरागत जो गायकी थी, तो उसकी मुद्रिका अगर सुनाई जाए, अगर उसका जो संगीत सुनाया जाए, तो लता की ही ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे लोग। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। अब देखिए शास्त्रीय संगीत में ना, इसमें जो किस प्रकार से कौन सी ताल में गाया जा रहा है, ताल का हरवा, और इस प्रकार के अलग अलग ताल हैं, है ना, राग भैरवी, और इस प्रकार के राग अलग अलग हैं, तो
अलग अलग जो राग हैं जो ताल हैं उनका वो कौन सी थी। तो शास्त्रीय जो ब्यौरा है वो आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोश था और ताल त्रिताल। अब ये अलग अलग राग हैं मालकोश और त्रिताल, उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। अब लेखक कहता है कि हर कोई आदमी जो है ना ही तो ज़्यादा राग के बारे में जानना चाहता है ना ही ताल के बारे में, तो उससे तो वह मिठास चाहिए जो हर प्रकार से मस्त कर देती है और जिसका वह अनुभव कर सकता है और वो जो स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानापन हो तो वह संगीत है। अब गानपन यानी कि गाया जा सकता है जिसको, वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा, यानी कि हर प्रकार से स्वाभाविकता है उसमें, हर प्रकार से जो अनुभव हैं, जो मिठास लिए हुए हैं, मदमस्त कर देने वाले भाव हैं, वो लता जी के गानों में हमें दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से 100% जो गान है वो मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है, उसमें स्वरों की निर्मलता। अब जो लता जी गाती हैं ना, तो उनकी एक मुख्य विशेषता और भी है कि उनके जो स्वर है वो निर्मल हैं, स्वच्छ हैं। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी। अब देखिए लेखक ये नहीं कह रहा कि जो नूरजहाँ थी वो अच्छा नहीं गाती थी, बल्कि उनके पहले की जो पार्श्व गायिका इनकी जो पर्दे के पीछे गाती थी, जो नूरजहाँ थी, वो भी अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। अब जो नूरजहाँ गाती थी तो उनमें भी एक मादकता थी, उत्तान यानी कि उतार जो है वो, चढ़ाव जो है वो दिखाई देता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। अब जो लता जी के स्वर हैं ना, उनमें कोमलता भी है और मुग्धता, हर प्रकार से मोहित करने के जो भाव हैं वो भी इसके अंदर हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अब देखिए लेखक कहता है कि ऐसा दिखता है कि जो लता जी का जीवन है, जो जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण भी उनका जो है वो उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। अब संगीत दिग्दर्शक, दिग प्लस दर्शक यानी कि दिशाओं का दर्शन करने वाले, यानी कि संगीत की कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो उसके स्वर की निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं समय संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहीं बिना रहा नहीं जाता। अब देखिए कुमार गंधर्व जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं खुद जो है संगीत दिग्दर्शक होता, संगीत के बारे में जानकर रखने वाला होता, तो मैं लता जी को बहुत जो है जटिल काम देता, ऐसा कहीं बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है, उसका नादमय उच्चार। अब देखिए जो लता जी गाती है ना, तो उसकी एक विशेषता है कि वो नादमय है, एक प्रकार का जो है स्वर जो है उसमें नाद है, आनंद है, उसका उच्चार रहता है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अब देखिए लता जी जब गाती है ना, तो जो दो शब्दों के बीच का अंतर है वो स्वरों के आलाप से, यानी कि स्वर का जो आलाप है उसकी रीति के कारण से भरा रहता है, खालीपन सा नहीं रहता, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। आज एक किस प्रकार की एक कला जो है लता जी के अंदर है, जो दो शब्दों जो दो शब्द हैं उनके बीच का जो अंतर है उसको अपने स्वर के आलाप के द्वारा उसको परिपूर्ण कर देती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वे दोनों शब्द जो है विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो हमने इसमें देखा था ना कि स्वर लिपि, अब आगे ऊपर देखिए अपने यहाँ पे कि ध्वनि मुद्रिका। अब मुद्रिका यानी कि स्वर लिपि, ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि के लिए आ गया, ये यहाँ दिया हुआ है नीचे। और उसके बाद में शास्त्रीय गायकी दे रखा था, तो शास्त्रीय गायकी क्या है, जिसमें गायन के कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। अब देखिए जो गायन है शास्त्रीय गायकी जो थी, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियम होते हैं, इसमें उसके अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में और दे रखा था इसमें 3 नंबर पे कि मालकोश जो राग था, तो मालकोश क्या था ये, और त्रिताल, तो मालकोश जो भैरवी थाट का राग है ये, जिसमें रे और पै वर्जित हैं। अब रे भी नहीं बोला जाता, उसमें पै भी वर्जित है, नहीं आता इसमें,
इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं, यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। और उसमें जो ताल वगैरह दे रखा है, यह 16 मात्राओं का ताल है, त्रिताल जिसको कहते हैं, तो इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं। फिर एक और था यहाँ पे, पाँचवा नंबर दे रखा था गानपन। तो गानपन क्या है, तो गाने का ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भी भावीवोर कर दे, अगर अकेला आदमी सुनने वाला तो वह भी भावीवोर हो जाता है, तो वह जो है गानपन कहलाता है। तो ये जो था इसमें कि स्वर जो है एक दूसरे से शब्द विलीन होते होते एक दूसरे मिल जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। और देखिए, दो शब्दों को के बीच में जो अंतर है उसको पूरा अपने स्वर के आलाप से पूरा करने का जो भाव है वह लता मंगेशकर के अंदर ही है। और ऐसे जो बात है उसको पैदा करना कठिन है अगर अन्य को दे दिया जाए तो, परंतु लता जो है वे इस बात को अत्यंत सहज और स्वाभाविक तरीके से पूर्ण करती हैं। तो किस प्रकार से लता जी ने हर प्रकार से साधारण जो जन है उनके अंदर भी गायकी के प्रति जो है एक रुझान जो कह सकते हैं अपने एक प्रेम भाव जो है संगीत के प्रति जागृत किया है, तो इसके अलावा और कोई भी गायिका जो है नहीं कर सकती। तो इसलिए लेखक ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ जो लता मंगेशकर जी को माना है। तो आज हमने भाग एक का अध्ययन किया है, कल इनके बारे में और भी जो जानकारी है कि किस प्रकार से लता जी ने गायकी के क्षेत्र में एक नया जो कीर्तिमान स्थापित किया है और किस प्रकार से उन्होंने अपने जो उत्कट प्रयास हैं तो अपनी जो लय है जो ताल है उसके माध्यम से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।